नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल सुनील जोशी जी में। हम सीटेट के पेपर सॉल्व कर रहे थे कल, और हिंदी हमने कल गद्यांश सॉल्व किया था। आज है पद्य की बारी, यानी कि कविता को हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को करेंगे। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे निरंतर मिलता रह रहा है और कमेंट्स भी आ रहे हैं, और इसी तरह से आप साथ बने रहिए दोस्तों। और जो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें चैनल से संबंधित। और थोड़ा सा गला आज मेरा बैठा हुआ है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन फिर भी हमें दिसंबर तक का टाइम है तो हमें प्रैक्टिस तो करनी है। तो मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक प्रीवियस का पेपर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स में आएगा, आपके आने वाले सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये वैल्यूएबल है, चाहे वो सी टेट हो, यू टेट हो, यू पी टेट हो और एस टेट हो, किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। और कोई भी आप जब कंपटीशन देते हैं टीचिंग से रिलेटेड तो ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम निर्देश पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 से 105, ठीक है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो क्या होगा, सबसे उचित विकल्प है उसे आपने चुनना है दोस्तों। तो पहले हम कविता पढ़ लेंगे थोरोली, उसके बाद जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से उसे पढ़ेंगे, ठीक है। सदियों की ठंडी बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, ठीक है। बहुत ही मार्मिक के कविता है, ठीक है, और ये जनता के दुख को, ठीक है, जो आम लोग हैं, ठीक है, उनके दुख को व्यक्त करती हुई ये कविता है। इसको अभी पढ़ के आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मैं इसे एक बार और पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसका भाव धीरे धीरे और समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। सदियों की ठंडी बुझी, राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न को देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है हमसे, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है, जिसे बोध है, जिसे सांप काटते हैं, जो खेत खलिहानों कारखानों में काम करती है, या जो रथ चलाती है। इसमें मैं ऑप्शन से आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। देखिए, जिसे बोध है, ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखते हैं, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्त है, वही इसमें कह रहा है कि अबोध मूर्त है वो, ठीक है, जो आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। जिसे सांप काटते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो खेत खलियानों कारखानों में काम करती है, या जो रथ चलाती है, रथ चलाने की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं गई है इस पूरे पैराग्राफ में, यानी कि पैसेज में, या पोएम में कह सकते हैं, पोएम में। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, जो खेत खलियानों या कारखानों में काम करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, मिट्टी की जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ठीक है, कौन सहता है जाड़े पाले की कसक, ठीक है, अलग है, अंग चंग में जो, मतलब ये कि कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनके दर्द को भी ये बयां करता है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड। इसमें हमें लॉजिकल आंसर ढूंढना होता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते कि जिससे सांप काटते हों, या जो रथ चलाती है, या खाली जिससे बोध है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें तो दो आंसर तो सीधे सीधे गलत हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। ऐसे ही अलग उसमें हमें
आंसर देना होता है जो सबसे उपयुक्त होगा, सबसे उपयुक्त आंसर यही है। नेक्स्ट में आते हैं, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है। ठीक है, समय का रथ, ठीक है, उसका नाद सुनो, उसकी आवाज सुनो, घर घर आवाज, तो उसका अर्थ क्या होगा? अब समय बदल रहा है, या समय का रथ बढ़ा रहा है, समय कोलाहल कर रहा है, या समय ने युद्ध नाद बचा दिया है? तो इसका मतलब है कि समय अब बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर यही है ना, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, दो राह, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी कि अब क्या है, समय बदल रहा है। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि अन्य में कोई लॉजिक नहीं है। समय का रथ बढ़ा रहा है, ठीक है, समय कोलाहल कर रहा है, या समय ने युद्ध नाद बचा दिया है, ठीक है, तो इसका अर्थ होगा समय बदल रहा है। अगला है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव, यानी कि इसमें भी पंक्ति का अर्थ पूछा गया आपसे। तो क्या राजा के सिंहासन को खाली करना होगा, या जनता राजा का सिंहासन हिला देगी, सारी जनता आप सिंहासनों पर ही बैठेगी, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। तो ध्यान से देखिए इस पंक्ति को, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यानी कि क्या है, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। तो आंसर है फोर्थ। ठीक है, यही एक इसमें उपयुक्त जो युक्तिपूर्वक उत्तर है वो यही है, फोर्थ वन। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा के संदर्भ की बात हो रही है, ये भाषा शिक्षण शास्त्र से पूछा गया प्रश्न है हिंदी के, तो स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, भाषा साहित्य और ऐतिहासिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत, तो क्या यह साहित्य बोध, सराहना बोध, नहीं साहित्य बोध उतना नहीं है, साहित्य सराहना या सामाजिक सौंदर्य भूत, साहित्य बोध या सामाजिक नानिक बोध। तो जो स्कूली जीवन में होगा वो क्या हो सकता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाषा साहित्य और ऐतिहासिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायता करेगा, किसमें सहायता करेगा, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने में, या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में, या भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने, या भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने में। उच्च प्राथमिक स्तर की जहां तक बात हो रही है तो इसमें होगा भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने में, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है कौन सी उपयुक्ति नहीं होगी। ठीक है, जो उपयोगी नहीं है उसको हमने टिक करना है, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या विज्ञापनों, पोस्टरों, साइनबोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ठीक है, तो ये होगा इसका विज्ञापनों, पोस्टरों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण अभी नहीं कर पाएंगे बच्चे, जब उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। ठीक है, तो अन्य तीन जो ऑप्शन है वो तब भी मुझे कुछ कुछ सही लग रहे हैं, तो इसका जो गलत उत्तर है यानी कि ये विधि उपयोगी नहीं होगी, दूसरी वाली। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, निगमन विधि या आगमन विधि या भाषा संसर्ग विधि या सूत्र विधि, तो यहाँ पर होगा व्याकरण शिक्षण की बात कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर होता है आगमन विधि। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर
आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि सामान्य से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य से नियम की ओर, तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर, ठीक है। इस तरह ये चलता है आगमन विधि में। आगमन विधि में क्या होता है कि आपको कोई उदाहरण पहले दिया जाता है, ठीक है, फिर उसको आपने आगे की समस्याओं को सॉल्व करना होता है, ठीक है, उदाहरण से ही आगे के उत्तरों को करना होता है। तो इसका सही उत्तर है आगमन विधि। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, या आकलन की औपचारिकता पर, या संचार माध्यमों पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो बच्चों का भाषाई विकास है वो सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि भाषा एक संचित कौशल है जो उपयुक्त परिवेश में सर्वाधिक परिपक्व होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा परिवेश होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अंग्रेज का बच्चा बचपन से अंग्रेजी जानता है, और हमारे घरों में जो बोली बोली जाती है उससे बच्चा खुद सीख लेता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसका जो परिवेश है यानी कि आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, अगर कोई अंग्रेज का लड़का है उसे इंडिया में अगर उसकी पैदा हो रहा है, तो उसके आसपास अगर कोई अंग्रेजी ही ना बोले तो वो भी हिंदी ही सीखेगा, अगर हिंदी भाषा ही उसके आसपास है। कन्नड़ होंगे तो कन्नड़ सीखेगा, तमिल होंगे तो तमिल सीखेगा। ऐसे ही इंडियन कोई बच्चा अगर इंग्लिश कंट्री में पैदा हो रहा है, तो अगर उसके आसपास का वातावरण इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो वो बचपन से ही इंग्लिश सीखेगा। तो जो भाषा विकास है बच्चों का वो निर्भर करता है जो उसका परिवेश है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, जो हमारे अनुभव हैं इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, निहितार्थ मतलब वही उसका अर्थ है, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने विविध अनुभवों को से स्वयं जोड़ने का अवसर दिया। सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए या अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व, लेकिन इसमें सही उत्तर है चौथा, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करने विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाएगा, तो उनका शैक्षिक निहितार्थ होगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब हम बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में जैसे छपी खबर है, कोई खबर है, लेख है, या किसी कही बात का निहितार्थ यानी कि उसका अर्थ समझ सकें, क्योंकि वह उनके भाषाई विकास का परिचायक होता है, ठीक है, उनका भाषाई विकास उससे रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे, ठीक है, अगर वो मुदिता जो कक्षा 8 में पढ़ा रही हैं तो कि भाव के बारे में यानी कि उसके अर्थ के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली विधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है, ठीक है दोस्तों। जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे तब तक हम उस भाषा को पूर्णतः नहीं समझ सकते दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस उदाहरण के ऊपर हमारा ये अर्थ है कि कविता का एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुदिता को हम कहेंगे कि इस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता का एक जैसा भाव नहीं होता, वह अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाव देती हैं तथा उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। किसी भी कविता का अलग अलग, जब हम भावों की बात करेंगे तो एक सा भाव थोड़ा होता है, कहीं पे जब हम बात करते हैं तो कहीं पे
रौद्र रस की बात होती है तो वहां पर रौद्र रूप होगा, ठीक है, कविता के। कहीं पर सॉफ्ट कविता जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है, बहुत मार्मिक थी, कहीं पर खुशी देने वाली होती है, अलग अलग भाव उसके होते हैं। तो इसका उत्तर यही सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, ठीक है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, उनकी प्रगति में माता भूमि पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कैसी है। तो यहाँ पर हम पोर्टफोलियो यानी जमा पूंजी से भी इसका रिलेटेड लेते हैं, और कहीं पे समीक्षा करने के लिए भी पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है वर्ड का। तो इसमें सीधे सीधे बात यही है कि जब हम बच्चों के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो का अर्थ बताता है कि बालकों की क्रमशः प्रगति किस प्रकार हो रही है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो इसका आंसर है सेकेंड वन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन का अनिवार्यतः बल देंगे क्यों, किस पार्ट पर, किस पार्ट पर बात कर रहा है। ठीक है, किस साहित्य विधा को, चाहे आप जीवनी पढ़ा रहे हो तब सस्वर पाठ कहेंगे कि सब एक साथ पढ़ने को लो, जैसे आप बोलें और बच्चे दोहराएं, या एक साथ बोलें, किसके लगेंगे, जीवनी पढ़ने पे कहेंगे, या यात्रा वृत्तांत पे, या आत्मकथा पे, या एकांकी पे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कि एकांकी। अब एकांकी क्यों है दोस्तों, क्योंकि एकांकी विधा को जब हम पढ़ाते हैं उसमें सस्वर पठन या उस पर बल दिया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है। ठीक है, जब हम एकांकी कोई नाटक की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसे सस्वर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो उसका भाव है उसके शब्दों का उच्चारण उसी प्रकार होगा और भाषा विकास कौशल में विकास होगा। लेकिन जबकि आत्मकथा, यात्रा तथा जीवनी में सस्वर पाठन अपेक्षित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप सस्वर पाठ करें, लेकिन एकांकी में जो उसके भाव हैं वो भी खुलकर सामने आते हैं जब हम उनका सस्वर पाठ करते हैं, ठीक है, क्लास में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पोएम यानी कि कविता जो हमने ली थी सीटेट 2014 के पेपर से, और जो आने वाले एग्जाम्स में के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हिंदी भाषा से जुड़े, साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न भी हमने सॉल्व किए। ठीक है, तो टोटल हमने आज 20 प्रश्न लगभग किए हैं, और कविता का भी अर्थ इसमें हमने किया है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट देते रहिए मुझे, और कोई भी कमी लगे आप लोगों को, क्योंकि एक शिक्षक का काम यही होता है कि अपनी शिक्षण विधि में सुधार ला के वो अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरह से पढ़ाना चाहिए, या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई मैंने जो भी अभी तक पढ़ाया है, चाहे वो मेरे पुराने वीडियोस में हो या आज की वीडियो में हो, तो आप निसंकोच इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, कोई पहली बार आए हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, जिससे कि आने वाले दिसंबर महीने में जो लोग भी आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स कर रहे हों, कोई भी आपके रिलेटिव्स इसकी तैयारी कर रहे हों, तो उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि इस बार उनका कोई भी चीज़ पहली ही बार में, अगर कोई नया कर रहा है और जो बार बार ट्राई करने पर भी जिनका नहीं हो पा रहा है, तो वो इस बार क्लियर जरूर कर लेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो टीचिंग से रिलेटेड। बस आप साथ में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।